तो अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है फैडी, आप देख रहे हैं फैडी जोन व्लॉग्स। तो थंबनेल देख के आपको पता ही चला होगा कि हम लोग टैंक के लिए स्टैंड बना रहे। तो चलते हैं, मैं अभी उठा हूँ तो कबूतर को खोला हूँ मैंने, तो कबूतर को खाना देते और फिर शॉप में चलते। और मैं तो आज लेट भी हुआ हूँ, तो मुझे पता नहीं दादा क्या बोलेंगे क्या नहीं, और स्टैंड का काम कितना हुआ है कितना नहीं, आए है वो या नहीं आए, तो वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आज बहुत लेट हूँ तो चलते। ये रही हमारी यामा RX 100 और कबूतर भी यहाँ पे, तो खाना ख़त्म हो गया है तो खाना देते उनको। और मेरे कबूतर से ज़्यादा है ना, बाहर वाले कबूतर है। कैसा झगड़ा कर रहे देखो, ए तो तैयार हो चुका है, अब फुल वेल्डिंग करना बाकी है। देख सकते हो सिंगल स्पॉट पे अभी है, तो फुल वेल्डिंग बाकी है, तो इंशाल्लाह वो कल हो जाएगा और कल अपना पूरा स्टैंड तैयार हो जाएगा टैंक का। ठीक है, परसेंट काम हो चुका है और लाइट चली गई, तो अभी रुकना पड़ेगा लाइट आने तक। और नीचे सिर्फ दो पट्टी लगाने के, फिर अपना स्टैंड तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको लेंगे और फिर कलर भी करना है, तो कलर भी करेंगे, तो आप लोग को दिखाता हूँ क्या करना है क्या नहीं। और फिर से अपने को सेटअप करना पड़ेगा टैंक का, ये मेरे को थोड़ा टेंशन आ रहा है कि फिर से सेटअप बनाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारा स्टैंड रेडी हो चुका है तो देख सकते हो, तो अभी इसको पेंट करना बाकी है, तो अब दादा पेंट करने वाले, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ।
दादा तो ये पेंटर हमने टेस्ला की कंपनी से मंगाए हुए देख सकते हो। दादा ऐसा कलर कॉम्बिनेशन किए, दादा फुल व्हाइट बोल रहे थे पर मैंने रेड कर दिया, तो कैसा लग रहा है याद से बताना ठीक है, कमेंट में ज़रूर करना कमेंट। तो अच्छा लग रहा है और वहाँ पे बच्चा है वो देख सकते हो ये कॉर्नर, बाकी अंदर पूरा मैंने रेड कर दिया और बाहर से वाइट है, तो वो कॉर्नर करना है तो कलर सूखने देते फिर कॉर्नर करेंगे नीचे वाले। कलर हो चुका है पूरा मुकम्मल, तो अभी इसको सूखने देते और दादा को देख सकते हो दादा फ़ोन में बैठे, काम नहीं है तो फ़ोन पे बैठे। तो दादा आपको कैसा लगा रेड एंड वाइट में कॉम्बिनेशन? आप बोल रहे थे रेड नहीं चाहिए, पहले मेरे को लगा कि पूरा रेड रेड एकदम कैसा ही दिख रहा, अभी कैसा थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा वाइट बाहर से और अंदर से रेड ना, पर वो रेड ज़्यादा दिखेगा नहीं, वो तो फोम के अंदर आएगा ना। हाँ हिटलॉन डालेगा उसके अंदर, तो अभी ये वाला हिटलॉन अंदर डालने का है टैंक के लिए सपोर्ट नीचे, तो इसको अभी कट भी करना है तो इसको कट भी करेंगे। और कब लेके जाने का, शाम में? नहीं नहीं अभी लेके आएंगे, अभी दो बाइक है, दो बाइक है अपने पास, अपने को बाइक रख के जाएंगे और अपने को नीचे भी जाने का था ना। हाँ तो आठ एक एक बाइक यहाँ पे रखते ना तुम, ठीक है वो शाम में लेके जाएंगे यहाँ से, अभी घर पे जाएंगे खाना खाएंगे ये लेके जाएंगे। भी कट हो चुका है तो अभी घर पे लेके जाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग का टैंक का स्टैंड और टैंक भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये रहा टैंक, तो इसको इंशाल्लाह आज वापस खाली करेंगे और फिश वाले के इधर भी जाके देखेंगे और नए फिश आए क्या, आए होंगे तो इंशाल्लाह वो भी ले लेंगे। तो देख सकते हो अभी ये टैंक, तो इसको वापस वॉश करके फिर वापस करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग स्टैंड रखे और फिर एक्वेरियम वाले का फ़ोन आया, तो वो बोला है कि नए फिश आए देखते जाओ, तो चलते अच्छे लगेंगे तो लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं फिश शॉप में आया हूँ और एक ऐसी चीज़ देखा हूँ ना आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्लोरॉन शॉर्ट बॉडी में फ्लोरॉन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और पैरट भी है यहाँ पर, पैरट फिश एक यहाँ पर भी है। तो मुझे कुछ ये नया चीज़ लगी, तो मैं मेरे लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ इसको, फ्लोरॉन शॉर्ट बॉडी, तो अच्छा लग रहा है ये पैर भी, और यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या कहते हो दादा, पोलर पैरेट लेते एक वाइट वाला पैर, अल्बाइनो में ये भी कलर देखा, और ये देख सकते हो ऑस्कर, बहुत प्यारे कलर है सब, और इस टाइम में सब कलर आए, अभी अपने पास एक ये कलर नहीं है, ये कलर नहीं है, ये कलर नहीं है, तो इसमें से सिर्फ एक ही पेड़ लेके जाने का है भाई, क्योंकि ज़्यादा मत समझ रहे हो। तो देखते हैं ये पेड़ लेंगे, ये फिक्स है मेरा प्लान था जमाने में। हाँ इस
इसमें का एक पेयर, उसमें का पेयर, ऐसे पेयर पेयर अच्छे लेकिन बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, सिंगल सिंगल लेके जाएंगे ना, जो अच्छी मार्किंग वाला है। अभी मेरे को कॉपर भी पसंद है, कॉपर कलर में, टाइगर कॉपर है ना, प्यारे तो लग रहे, पोलर प्यारे, बहुत प्यारे लग रही है। ये देख सकते हो ऑस्कर है 4 और एक वाइट पोलर पैरेट का पैर है। तो पैर पैर के हिसाब से लिया हो दोनों, तो घर पे जाके इनको एक्लीमेट करेंगे और फिर दिखाता हूँ। तो अभी डालो मैंने एक्लीमेट करने पर, मैं कितना पागल हूँ। अभी ये मेरे को टैंक पूरा यहाँ से हटाना है और स्टैंड पे रखना है, और मैंने एक्लीमेट करने लग रखा हूँ। तो अभी ये फिर से निकालना पड़ेगा। तो अभी फिश देखो कैसे दिख रहे, एकदम प्यारे पोलर पैरेट। तो ऊपर लेके जाने के, तो वो भी ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ पे तो अपने ऑस्कर्स तो है, सब उनके ही तरफ एक्ट्रैक्ट हो रहे। तो अभी देखते हैं, ये पूरा टैंक पूरा खाली करना पड़ेगा। और ये ड्रिफ्ट रूट डाला हूँ ना, तो इसके वजह से थोड़ा पानी गंदा हो चुका है पूरा। तो कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए भी, देखते अभी कुछ नया सेटअप करते, क्या बोलते हो? सही है ना, दादा को बात करते दादा से और फिर बताता हूँ आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी पूरा सेटअप चेंज करते क्या, ये निकालते बोलते? नहीं 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 नहीं, वो उधर सेटअप करने का सेम सेम सेटअप। अरे इसके वजह से पानी देखो कैसा गंदा हो रहा है। उसके वजह से नहीं, कल अपने हाथ भी डाले थे वो वजह से, और फिल्टर अच्छे से वर्क नहीं हो रहा था। तो फिल्टर का, अरे पाइप मांगना भूल गए फिल्टर का। अरे भाई उनको देखो भाई, वो लोग कैसा है, ये हो रहे देखो भाई, छोड़ो मेरे को। तो अभी टैंक वापस खाली करना पड़ेगा, और यही वाटर अभी यूज में आएगा। ये नीचे की जो गंदगी है वो फेंक के डालेंगे, बाकी ऊपर का जो वाटर है वो यूज में लेंगे यही टैंक के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अभी एक फिर से। ये पूरा फिश अभी एक अलग जगह निकालना पड़ेगा और फिर करेंगे। तो आप लोग को दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। तो एक्लीमेट हो चुके हैं इसमें पूरे, तो अभी दादा को देखने जाते हैं। ठीक है, टैंक भी यहाँ पर ही है, तो सोच रहे कि यहाँ पर ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही बोर्ड है ना, तो यहाँ पे रखना सही रहेगा हमारे ख्याल से, तो यहाँ पे ही रखते। तो पूरा सेटअप बनाना बाकी है, ये अर्श की कुर्सी है। तो अभी चलते दादा के पास। दादा क्या कर रहे, क्या दादा क्या कर रहे, दादा देख सकते यहाँ पर है अर्श, अरवाना देख रहे दादा, अरवाना। दादा क्या इरादा क्या है अभी आपका, अरवाना का इरादा है? तो अभी वो लाए, उसका सेटअप करते हैं। अर्श ने पीछे देख सकते हो पूरा कैसा किया है, ये इसने पूरे दीवार रंगा के रखे है, देख सकते हो पूरे कलर, डायनासोर भी बना रहा है इधर, देख सकते हो पूरा, ये देखो पूरा दादा के पीछे ऐसा व्यू लग रहा है ना, खतरनाक। पेंटिंग है हमारे इधर की, 3D पेंटिंग। अर्श को देख सकते हो, अर्श क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है तू, या भी गाड़ी, ये बिकते लाया हो ये गाड़ी, दादा को पूछो, दादा को एक बार जो चीज देख लेना वो चाहिए। तो अभी चलते फ्लोरॉन, तो ये रहा मेन फ्लोरॉन, और यहाँ पर भी है। तो भाई मेरे को ना वो फ्लोरॉन अच्छे लगे, शॉर्ट बॉडी। क्या बोल रहे पापा, थैंक यू। चाचू कहाँ पे, चाचू कहाँ पे, यहाँ रे, हाँ चाचू नहीं लाए, ये देखो दिया कौन, हाँ मैं दिया ना, कुनी देला नी दूला, हाँ चाचू नहीं देला के पप्पा नी, चाचू नी ना, मैं पप्पा लगा, थैंक यू दादा। अरवाना का शौक बाद में करते, पहले उधर चलो। पीछे अभी भूल गए फ्लोरॉन के ऊपर से वो शॉर्ट बॉडी, क्या लग रहे थे ना यार, ऑसम। लेने का इरादा था, पर रखेंगे किस में, वो ऐसा सीन हुआ। ये फीमेल अगर किसी को मैं दे देता ना भाई, तो मैं नक्की वो लेके आता। सीन कैसा है मालूम दादा, बहुत बेहतरीन होती थी। अरे सीन कैसा है मालूम भाई, लग 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 लग। अपने को और एक टैंक सेटअप बनाना चाहिए। वीडियो चालू है भाई, टेंशन ना, क्या बोलते हो? और एक टैंक सेटअप पर आप अभी देख रहे थे अरवाना, क्या इरादा है? अरवाना चलो अभी वो सेटअप करते, चलो छोड़ दो भाई।
तो ये चार है ऑस्कर और इसमें पोलर पैरेट है। तो पहले इसको एक्लिमेट करते, ऊपर जाके वापस एक्लिमेट करना पड़ेगा इनको और उनके साथ लेके जाना पड़ेगा। हाँ देखिए, देख देख, हाँ भाई, हाँ हाँ राइट। टैंक पूरा खाली हो चुका है? हाँ लगभग। नहीं, टैंक खाली नहीं हुआ है भाई, मैं बोल रहा हूँ। क्यों मालूम? इसमें फिश कम लग रहे, 100% इसमें फिश रहेगा, एक दो फिश तो भी निकलने चाहिए इसमें से। हाँ ये देखो भाई, बोला था ना पूरे फिश नहीं निकले, कम लग रहे। एक काम करो, टब टब ले लो, एक टब दे वो। हाँ पंप बनता है, इसको पंप की पड़ी है, ये देख सकते हो, इसको इसको पंप की पड़ी हुई है। इसमें शक्कर है, कितना बड़ा है माशाल्लाह, देख सकते हो। और यहाँ पर देखो सब ट्रोली में बैठे, नहीं ना मिल रहा है आपको वो, नचाएगा वो, अल्लाह का शुक्र है। तो अब मुझे टैंक लग रहा है खाली, वो स्नेल निकालो आसिफ। हाँ वो मेन है, हमने इतना पाल के रखे हैं माशाल्लाह। तो अभी टैंक करते खाली, इन दोनों पोलर पैरेट को छोड़ते, वो पोलर पैरेट के साथ वो खापे दोनों भी, ये देख सकते हो, एक यहाँ पर बैठा है और एक वहाँ पे पीछे। तो करते बिस्मिल्लाह, ठीक है? तो आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पोलर यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से इनको पैर खाने टाइम जाएगा। पैर नहीं है ये, क्योंकि कितने सारे थे तो मुझे कंफ्यूजन था, पर मेल फीमेल में लेके आया हूँ, तो ये फीमेल है और वो मेल है। तो ये पैर नहीं था, तो पैर इनका जब लगेगा तब इनकी ब्रीड होगी इंशाल्लाह। तो वो पैर है, तो वो कंफर्म पैर है अपना, तो वो साथ में ही है, देख सकते हो। ऐसा लगा तो भी अच्छा लगेगा ना पैर, एक वाइट और एक ये। हाँ इसीलिए भाई मैंने वाइट पैर लिया। अब टैंक लगेगा, ये देख सकते हो, ये सीधा अंदर चला गया भाई, छोड़ा हो ना वीडियो देखना, एडिट करते होगा आप देखेंगे ही, ये सीधा टैंक उसमें अंदर गया मटके के अंदर। हाँ ठीक है। और यहाँ पे श्रीम से छोटे छोटे ये देख सकते हो, ये दिख रहे आपको, हाँ फुल्ली लोडेड, वो ब्लैक ब्लैक देख सकते हो एग। बाय दादा, दादा को बुला दो, ठीक है? ऊपर आओ, ऊपर आओ, एक गुड न्यूज है जो अपने पास स्ट्रीम से ना, उनकी गुड न्यूज है भाई आपके लिए। मैं अभी वीडियो दिखा रहा था और भाई मैं बोला ये क्या, फुल्ली लोडेड फीमेल बैठी है, देख सकते हो आपके सामने, ये यहाँ पर देखे, फुल्ली लोडेड है भाई। उसका सेटअप कर देना छोटे, इनका सेटअप करने आए, और इसके अंदर एक गप्पी मेल भी है, इतना बच्चा डाला था इनके साथ में ही। तो ये दूसरी बार अंडे दे रही है, पहली बार तो सक्सेस नहीं हुआ था क्योंकि नीचे पूरा उनका गंदगी है ना, इसी वजह से। उसको मेरी टैंक में मेरी हल्की नजर गई, फुल्ली लोडेड फीमेल है, देख सकते हो, ये देख सकते हो। और यहाँ पे पोलर पैरेट भाई, ये पकड़ो, मैं टैंक लेके आता हूँ, एक मिनट। इसमें बोल दियो, इसमें हाँ ये ब्रेक है, वो चलेगा, इतना कुछ है नहीं। अरे ये क्या ग्लू से चिपकाया हुआ है, इसमें से लीकेज नहीं होता है, पर इसमें रखेंगे सेटअप। इसमें सेटअप बना हुआ ऐसा, वो रूट ड्रिप रूट। हाँ वहाँ पे ही है, इसमें सेटअप बनाते हैं। ये देखो ये जबरदस्त लगेगा उसके अंदर, देखो ये पोजीशन में अंदर डाल देंगे ना उनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ये ऐसे ही कैसे जाएंगे, कम ऐसा करके अपन डाल देंगे उसके अंदर। तो कमेंट करके बताओ हम लोग को स्ट्रीम्स के लिए टैंक सेटअप करना चाहिए या उसमें ही रखना चाहिए, ठीक है? तो अभी तो फिलहाल इसमें नहीं, आप बताओ कमेंट में, कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, इसमें सेटअप करना है या नहीं, ठीक है? तब तक ले अभी चलते, अपना अपना काम भी बाकी है, तो कमेंट में बताना, कमेंट में जरूर कि हम लोग को करना चाहिए या नहीं। तो अभी पोलर पैरेट को देख सकते हो, तो मेरे ख्याल से ये पेड़ लगेगा भाई, क्या कहते हो, दोनों साथ में ही है और वो तो वहाँ पे ही है। अरे भाई कुछ ऐसा सेटअप है, और अभी अपने पास पोलर पैरेट के दो पैर हो चुके, ठीक है? तो एक पैर अपना इंशाल्लाह ब्रीडिंग प्रोसेस उनका चालू है, समझ रहे हो? और ये तो अभी नए हैं, तो इनको सेट होने देते, और अभी इनके लिए भी एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा,
वरना एक आता है ना जो ग्लास, इसका ही आता है, तो वो भी लेके आएंगे। कप आता है ना कप, तो वो लेके आएंगे और इधर रखेंगे, यही साइड पे रखेंगे, मतलब उनके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये पैर इसमें भी सेट है और इसमें भी सेट है, ज़्यादा बोलेंगे तो इसमें सेट है, तो बता नहीं सकते। तो ये पैर पहले से ही था, तो इनका और इनका जमेगा या नहीं, तो ये लोग रोला मनाएंगे। और श्रिंस को देखो यार, फुल्ली लोडेड फीमेल, फुल्ली एक यहाँ पे सामने बैठा है। तो अब भी मेरे पास इनविजिबल वाले, तो मुझे लेना चाहिए स्ट्रीम क्या नहीं, तो कमेंट में बताओ, ठीक है। तो मेरे गलती से बाय इधर उधर हो जाता है नाम, क्योंकि अपने को उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, हमारे इधर झींगा बोलते, ठीक है। तो लेना चाहिए या नहीं कमेंट में बताओ। तो अभी ये पैर वो पीछे की साइड घूम रहा है दोनों, और एक यहाँ पे बैठा है अंदर, देख सकते हो वहाँ पर अंदर ये रहा, और एक पैर यहाँ पर है, तो घूम रहे वो दोनों साथ में, तो अच्छा है। भाई फाइट मत करो बस। तो वो फीमेल आ रही, वो फीमेल के पास जा रहे ना, तो मार रही है, तो हो गए वो इंशाल्लाह फ्री। तो अभी इनका फीडिंग का टाइम है, तो आधे घंटे बाद इनको फीड करना है, तो फीड करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते नीचे, क्योंकि दादा अकेले, ठीक है। हम लोग को नई गुड न्यूज़ भी मिली है, तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि उनके लिए मेरे को सेटअप करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अभी चलते फिलहाल दादा के पास। तो दादा भी यहाँ पर ही, आप लोग को दिखाता हूँ, इसको देखो, ये रोला जमाने इधर आया है, तो भाई को देख सकते हो। और टैंक तो हाफ हाफ हो चुका है भाई, अभी क्या करो मालूम, हाफ टैंक का भी जो पानी है जो निकलेगा, गंदा पानी निकालो सब पूरा, और फ्रेश पानी है ना तो अपने को डालने के लिए चाहिए, थोड़ा पानी रखना है, क्योंकि वो फिर एक्लिमेट होने टाइम जाएगा उनके लिए, इसीलिए, समझ रहे हो। तो इतना है ना, इतना तो भी अभी सॉल्ट तेल उसके अंदर डालना है। हाँ स्टोन वाला है, ओके, वॉश करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं वॉश नहीं, स्टोन अंदर डालना पड़ेगा ना इसका। हाँ तो मिलते पूरा टैंक खाली होने के बाद, इतना पड़ेगा वरना मम्मी बहुत मारेगी घर पे। तो कुछ ऐसा टैंक सेटअप हम लोग ने किए, ये मेन डोर है और मेन डोर के पास ही में हम लोग ने सेटअप किए, तो कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। और सेटअप तो वही है, सिर्फ वाटर लेवल थोड़ा कम किया हम लोग ने, तो कैसा लग रहा है याद से बताना। और यहाँ पे नीचे फिश टैंक हम लोग को बनाना चाहिए या नहीं वो भी बताना, क्योंकि अभी मेरा और दादा का प्लान है कि यहाँ पे एक टैंक बनाएंगे, तो कमेंट में बताना कि यहाँ पे टैंक बनाना चाहिए और कितने फीट का बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना 2.5 फीट का है, और नीचे अभी अपने को कितने फीट का बनाना चाहिए वो बताओ। तो ठीक है, सेम 2.5 फीट का बैठ जाएगा, देखो यहाँ पे इजी अंदर चला जाएगा। हाँ तो सेटअप कैसा लग रहा है बताना। तो अभी फिश को छोड़ते हैं, क्योंकि अपना और नीचे के टैंक में कौन सी सिर्फ एक ही मच्छी रहनी चाहिए, मतलब एक ही इसकी नस्ल की, कि नीचे हम लोग टैंक सेटअप करेंगे पर उसमें कौन सी फिश चाहिए वो भी कमेंट में बताना, ठीक है। तो अभी ये अपना सिर्फ ऑस्कर टैंक है, तो अपने ऑस्कर अभी इसमें छोड़ेंगे ना, तब दिखाता हूँ आप लोग को ब्यूटी, ऑस्कर ब्यूटी आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑस्कर में हर कलर के ऑस्कर है हमारे पास, तो आप लोग को दिखाता हूँ और आप लोग भी इंजॉय करो और हम भी करते, ठीक है। लाइट भी चालू के लिए दादा देखो क्या बोल रहे, लाइट वाइट चालू करके बनाओ। तो अब भी दादा छोड़ रहे, और ये स्नेल भी डालो, तीन ही है, एक डाल दिया अंदर। ओ प्लेको की बारी, ये बहुत पुराना है प्लेको। हाँ हमारा बहुत सब बहुत, मतलब इसके साथ पहले ऑस्कर भी रह चुके, इतने ही साइज के हम लोग लाए थे उसके साथ था, और माशाल्लाह आपने ऑस्कर तो देखे होंगे वो जो हमारा मर गया। तो अभी वो ऑस्कर के लिए इतने ऑस्कर जमा किए हम लोग, तो लाइट चालू करते हैं। फाइनली हमारे सेटअप को देख सकते हो, और अब कैसे लग रहे हैं ऑस्कर, ऐसा लग रहा है ना कि मेरा टैंक भरा हुआ है, तो देख सकते हो प्लेको भी मज़े में। तो अभी देख सकते हो पूरा, और पीछे का बर्बर थोड़ा कम करना क्योंकि मम्मी है तो सुनना पड़ता है, ठीक है। तो अभी कैसा लग रहा है आप लोग बताना, तो उनको पूरा है ना सेट होने देते फिर आप लोग को दिखाता हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और अब भी टैंक में देख सकते हो, तो अभी फ़िलहाल तो ये दो कलर नए, ये एक नया कलर है, तो ये एक नया है,
और कॉपर कहाँ पे गया, कॉपर कॉपर कॉपर, तो और एक कलर है वहाँ, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो, तो ये एक नया कलर है और ये एक नया कलर है और ये एक नया कलर है। तो अभी अपने पास सब कलर है, एक कलर नहीं है जो ब्लैक और रेड में आता है ना, ऐसा ही पूरा ब्लैक आता है और इसके ऊपर ऑरेंज ये है ना डिज़ाइन, तो उसके ऊपर रेड में आती है, और इसको ज़्यादा है उसको लाइनिंग आती है किस तरीके से पता है, उस तरीके से ये इसको जो पैटर्न है सेम पैटर्न में आता है वो, ये देख सकते हो इसको जो पैटर्न है, पर इसका जो अल्बाइनो कलर है ना उसमें वो आता है ब्लैक, और स्ट्रिप है ना वो वैसे ही आते हैं सेम डिज़ाइन जो है उसके ऊपर सेम वैसा ही आता है। तो अभी फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह टैंक भरा हुआ लग रहा है, तो मेरे को देखते ना तो अब देखना सब आते मेरे पास, जो अपने वाले हैं ना जब से मतलब अपन पहले वाले रखे थे, तो इनको थोड़ा एंट्रेन होने में ज़रा टाइम जाएगा। इसका फेस देखोगे, मैं पहले देख के ना हैरान हो गया था कैसा क्यों फेस है इसका, और ये तो माशाल्लाह कलर लग रहा है, और इसमें तो मैंने पूरा पेड़ लिया हो, ये फीमेल है और वो पीछे है वो मेल है, तो इसमें मैंने पूरा पेड़ लिया हो, ये फीमेल लिया हो, और कॉपर में भी फीमेल ही है अपनी। यहाँ से भी टैंक बहुत प्यारा लग रहा है, और यहाँ से तो बहुत प्यारा लग रहा है, मेरी अम्मी खुश हो गई है टैंक देखकर। तो आप भी बताना आप लोग को कैसा टैंक लगा। सेटअप किया हम लोग ने ऑस्कर का, तो अभी चलते पोलार पैरेट की तरफ। तो पोलार पैरेट को बहुत टाइम देखा नहीं हूँ, मतलब आधा एक घंटा हो गया उनको देखा नहीं हूँ, तो उनको भी देखता हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहे पोलार पैरेट, तो वाइट वाले ये देख सकते हो अल्बाइनो, और अपना जो पहले वाला था, तो ये माशाल्लाह मेरे को ये कलर बहुत प्यारा लगता है खासकर, मतलब मैं बोलूँ ना तो ये, और एक यहाँ पर है, तो ये दोनों रोला जमा रहे कि ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, इसमें आना नहीं, तो इनके लिए भी ऐसा एक मटकी लेके आएंगे और इनके लिए भी सेटअप करेंगे, तब ये स्टोन है ना वो मिडल में रखेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे, मेरे को बताना ये मिडल में रखना है कि ये सही लग रहा है यही जगह पे, तो यहाँ पर कुछ नया करेंगे और उसमें सेटअप करेंगे ऐसा ही, तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। तो वाइट वाली यहाँ पर है पीछे, ये वो देख सकते हो पीछे की तरफ है, तो इनको फिट देते हैं। जब भी डाला हो तो ये देख सकते हो अंदर से बाहर आ चुकी है फिट को देखिए वो, और ये तो ये वाइट वालों का थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो खा के आए, ये देख सकते हो दोनों अंदर चले गए, अच्छा लग रहा है, और देख सकते हो अल्बाइनो भी। तो मुझे बताओ पीछे कुछ लगाना चाहिए बैकग्राउंड, या ऐसा ही रहना रखना चाहिए वो भी बताना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वो एक है और एक इसके पीछे बैठा हुआ है, देखते यहाँ से ट्राई करते, ये देख सकते हो एक यहाँ पर बैठा हुआ है और एक है यहाँ पर पीछे की साइड, ये देख सकते हो ये रहा, ये रहा, तो रहने देते, तो ये देख सकते हो फीड लेने, तो अच्छे लग रहे सब के सब, तो फीड खाने देते, ठीक है। पता नहीं था कि फिश आज अपने को मिलेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा थिंकिंग था कि हम लोग स्टैंड बनाएंगे और फिर से सेटअप करना पड़ेगा, पर अचानक से फ़ोन आता है भाई को कि फिश आए नए, आपको चाहिए तो आके देख सकते हो, तो मैं भी बोला कि दादा चलो देखते कौन से नए फिश आए, अच्छे रहेंगे तो अपने को लेने क्या है, तो मैं चला गया। उसने मेरे को एक ही बताया था कि पोलार पैरेट में अल्बाइनो कलर आया है, इसीलिए मैं गया था पोलार पैरेट लेने अल्बाइनो कलर, पर मैं देखा वहाँ पे ऑस्कर्स भी है, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने परचेस कर लिए। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग को टैंक सेटअप कैसा लगा, और नीचे भी टैंक सेटअप करने का है तो उसमें भी कौन सी फिश लेके आना है वो भी बताना, सिकलेट लाओ या पोलार पैरेट तो है अपने पास, तो पैरेट लाओ सिकलेट लाओ या कुछ नई फिश आपके जो ध्यान में रहेगी, तो कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, ठीक है। तो अगर तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज।
बैठा।